में बात कर रहे थे पुलिस कल्चर पे। पुलिस कल्चर क्या है भाड़ में? ये अजीब पुलिस वाला यार, क्या हुआ? बाहर यहाँ से कह रहा गर्म सूट दे दो, वहां जाके कह रहा कोई फितरा ज़कात देना हो तो ये घर का एड्रेस पहुंचा देना। कोई टूटे चप्पल जूते सब हमें दे दे करो। पुलिस वाला लगा कि सूट दिलाने चले गए हो। हाँ, क्या कह रही थी तुम? अच्छा, मैं कह रही थी कि पुलिस वालों को कितना अच्छा मोटो। ये पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। एग्जैक्टली। हाँ, ये मोटो अब आवाम के लिए भी है कि आवाम का फर्ज है पुलिस की मदद करें, क्योंकि पुलिस का वो ये कौन सी मदद है? देखो, पुलिस में 10 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक रिश्वत चलती है माशाल्लाह से। पुलिस अमेरिका की अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। क्या खूबी है? यहाँ किसी ने चोरी की, यहाँ किसी ने जुर्म किया, 5 मिनट के अंदर यहाँ पे पकड़े जाते हैं। हाँ। और जुर्म कबूल करवा लेते हैं ऐसे। अब फिर हमारी पुलिस अच्छी हुई भाई। वो कैसे? जो नहीं भी किया होता वही कबूल करवा लेती है। हमारी पुलिस तो जेब में से टैंक निकलवा लेती है। लिखो भाई, टैंक निकला इसके जेब से। लिखो लिखो, रॉकेट लॉन्चर निकला है। लिखो, वो भी कर रहा था। हाँ जी, पिछली जेब में हेलीकॉप्टर भी निकालूं। ये हमारी कबूल करवा रहे हैं, एक नंबर अव्वल नंबर पे हमारी पुलिस है। तो गलत बात है ना? अब चलो, गलत है या सही है इनसे पता करते हैं। हाँ। कभी पकड़े गए हो? नहीं अभी तक तो। कितना बुरा लग रहा है, सादे घूम रहे दुनिया में तुम। गिलानी साहब, आप कभी पकड़े गए? जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको और। लेकिन उसी वक्त उन्होंने छोड़ दिया है? उसी वक्त छोड़ दिया। आपने कुछ छोड़ा होगा, फिर उन्होंने छोड़ा होगा है? ऐसे ही छोड़ा? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने समझा मैं भी मौली साहब हूँ, तो उन्होंने कहा आप तो हमारे पेटी बंद भाई हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहता जी आपकी नजर भी लोगों की जेब पर, हमारी नजर भी लोगों की जेब पर। गिलानी साहब बहुत सच्चे आदमी है, इनकी नजर लोगों की जेब पे, भाभी की नजर इनकी जेब पे, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या कहेंगे पुलिस के बारे में कुछ है? जी है, एक नज्म पेश करता हूँ आप लोगों की नजर। ऐ ये पुलिस, पुलिस मैन सिपाही की तरफ से उसके ख्यालात है। आप ये शेर सुना ले चलें। वो अफसर है हमेशा हुक्म ही उसने चलाना है। आहा, वो अफसर है हमेशा उसने हुक्म ही चलाना है। वो अफसर है हमेशा हुक्म ही उसने चलाना है। आहा, सिपाही हूँ मेरे गम का वही किस्सा पूरा। वेरी गुड। वो अफसर है हमेशा हुक्म ही उसने चलाना है, सिपाही हूँ मेरे गम का वही किस्सा पुराना है। इलेक्शन जब भी आते हैं मुसीबत मुझ पे आती है, कभी सड़कों पे रुलना है कभी जलसों में जाना है। वाह। इलेक्शन जब भी आते हैं मुसीबत मुझ पे आती है, कभी सड़कों पे रुलना है कभी जलसों में जाना है। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे एक और मुन्ने की, अभी मकतब में नंबर एक को दाखिल कराना है। ड्यूटी सबसे मुश्किल है मिनिस्टर की हिफाजत पर। ड्यूटी सबसे मुश्किल है मिनिस्टर की हिफाजत पर, ये ऐसे है कि जैसे जून में मुल्तान जाना है। बहुत अच्छे। ड्यूटी सबसे मुश्किल है जून में, तो बर्फ में पित निकल आती है। वो जिस एसपी ने मेरी उम्दा एसीआर लिखनी है, उसे बर्गर खिलाए थे अभी बूफे खिलाना है। उसे बर्गर खिलाए थे अभी बूफे खिलाना है। न जाने कब मिलेगी मौत दहशत गर्द के हाथों। अल्लाह माफ़ूर। न जाने कब मिलेगी मौत दहशत गर्द के हाथों, मुझे क्या इल्म उसने कब मेरा कीमा बनाना। आए हाय आए हाय। खड़ा मैं सोचता रहता हूँ हर एक चौक में फखरी। खड़ा मैं सोचता रहता हूँ हर एक चौक में फखरी, मुझे जान लेवा महंगाई में घर कैसे चलाना है। इस बात का अंदाजा हुआ कि आपको पुलिस वाले कभी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आपने सारी उनकी फेवर की बात की है। वो तो कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, पल्ले से इसको दो यार। बड़ा अच्छा आदमी है। आपके एक बात बताओ, आपने जो नजम सुनाई, मैं इसके इसमें एक बात और करता चलूं कि हमारी पुलिस अगर सुधरना चाहती है तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वो आइडिया ये है कि इनकी ट्रेनिंग जो हो ना, वो आर्मी के कस्टडी में हो। हमें शिकायत उनकी बदतमीजी से है ना, हम सब कुछ पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं लेकिन तमीज की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। तो एक तमीज की जब ट्रेनिंग हो जाएगी अलग से और आर्मी की कस्टडी में होगी तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ये मेरा आइडिया है, उन तक पहुंचा दो। जब मेहमान आएंगे तो उनसे आप ये तजवीज दे दीजिए। ये बात उनसे कहूंगा। आप क्या कहेंगे?
दुनियाए जराइम से तुम्हारा हो तअल्लुक, दुनियाए जराइम से तुम्हारा हो तअल्लुक, ऐसे किसी माहौल से अल्लाह बचाए, ऐसे किसी माहौल से अल्लाह बचाए। कब्रों में तो गुर्जों को तू सह पाएगा शायद, कब्रों में तो गुर्जों को तू सह पाएगा शायद, पुलिस की छितरौल से अल्लाह बचाए, पुलिस की छितरौल से अल्लाह बचाए। डाकू जो डाका डालने आए किसी के घर, डाकू जो डाका डालने आए किसी के घर, सब लूट कर वो ले गए जितनी कमाई थी, सब लूट कर वो ले गए जितनी कमाई थी। पुलिस यूनिफॉर्म में आए थे सब के सब, पुलिस यूनिफॉर्म में आए थे सब के सब, हैयत हर एक ने एक ही जैसी बनाई थी, हैयत हर एक ने एक ही जैसी बनाई थी। क्या इल्म अब पुलिस की वर्दी में चोर थे, क्या इल्म अब पुलिस की वर्दी में चोर थे, क्या इल्म अब पुलिस की वर्दी में चोर थे, या डाकुओं के भेस में पुलिस आई थी, या डाकुओं के भेस में पुलिस आई थी, या डाकुओं के भेस में पुलिस। एक कथा चार लाइनें। गहरा मजलूमों के दिल का और घाव हो गया, गहरा मजलूमों के दिल का और घाव हो गया, मुजरिमों का पुलसियों से मुखमकाओ हो गया, मुजरिमों का पुलसियों से मुखमकाओ हो गया। देख गीलानी जरा थाने में जाके एक दिन, देख गीलानी जरा, देख गीलानी जरा थाने में जाके एक दिन, ऐसा थानेदार की मूछों का ताओ हो गया, ऐसा थानेदार की मूछों का ताओ हो गया, मुजरिमों का पुलसियों से मुकमुकाओ हो गया, मुजरिमों का पुलसियों। एक बात समझ में आई है, हर मुसलमान मोमिन को थाना जाना चाहिए एक दफा, इससे ईमान ताजा हो जाता है। माशाल्लाह। चलते हैं थर्ड अंपायर के पास और उससे पूछते हैं।